नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक घटक का संतुलित मात्रा में होना कितना आवश्यक होता है। यदि इनमें से किसी एक घटक की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, और आज हमारी प्रकृति में यही असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। आज प्रकृति के सामने अनेक समस्याएं जो है मुंह बांधे खड़ी हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में हो, डिफॉरेस्टेशन के रूप में हो, पॉपुलेशन प्रॉब्लम के रूप में हो, असमय वर्षा के रूप में हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, या अन्य कोई भी मुद्दा हो जो पर्यावरण से रिलेटेड है। इन सभी मुद्दों का समाधान हर कोई चाहता है, लेकिन जब प्रयास की बात आती है तो कुछ ही लोग इस पर प्रयास करते हैं और बाकी लोग जो है प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा ही एक अभियान वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, और वह है स्वच्छता अभियान। क्या इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? क्या हम अपने आसपास को शुद्ध कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि ये शुद्ध रहे? तो इसी पर हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमने इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, रोल ऑफ सिटीजन ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन थ्रू स्वच्छ भारत अभियान। तो इसी पर यह फिल्म हमारी आधारित है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्म को।
सफाई में लोग ध्यान तो दे रहे हैं, परंतु जब सार्वजनिक सफाई की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, और हमें इसी को महत्व देना है। उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीख ली है कि यदि हम चाहें तो पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, और हम चाहें तो ना केवल हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ करके जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं।